दिस मॉर्निंग। सबसे पहले मैं श्रद्धा उनको दे रहा हूँ जो 27 तारीख का प्रोग्राम है जरूर पूर्ण है। राजस्थान में वहां जगह 64 स्कूल नाम राजस्थानी चालन आ रही है, पर 64 स्कूल लगो लगो 20 स्कूल नाम राजस्थानी साफ भी देने। देखो नागौर जिला जालौर जिला में जालौर जिले में 18 स्कूल नाम राजस्थानी सबसे पहला खुलवाई तो जितेंद्र कुमार जी सोनी खुला। अभी भी शायद नागौर में विश्वास है की 150 स्कूल नाम प्रस्ताव भिजवा दिया, बोले थे भिजवा दिया 3-4 और 9 स्कूल जो है बांगी सहित राजस्थानी आ जाएगी। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी आज रे प्रोग्राम रो बड़े विचारो करता था पर आदर जो प्रधानी साहब बे टापर आज कविता सुनता तो मारा गुरु जी आदर जो गुरु सिंह राजपूत जी आदर जो चुप साहब भाई सुरेंद्र स्वामी जी हमारे सामने राजुड़ा आदर जो श्री कर्मीदान जी आपने तो खैर आप तो माने कौन जानो पर मैं जब बहुत पहला अपना लेख रास्ता पत्थर का फटे करता मैं अठे मानगढ़ जिले को राव से तहसील धन्ना सरो निवासी हूँ तो मन ध्यान है राजस्थानी भाषा का खातर जितना भी हितालु वाले है मिला है अरे पूरे प्रोग्राम खातर जितनी भी खेचक करी है गुलाम खातर ला ले दो तीन महीना हूँ आदर जो मनोज स्वामी जी लाग रहे हैं आज आपकी किताब आ रही है आपने हो आपने बहुत बहुत बधाई भाई हरीश हरी जी आप बहुत चौखे रहे हूँ आपने बात रखी कि ट्राली ने लारा जब नाम लिखी जन लारा जे तो अपने भाषा का तक और मजबूती मिले। मैं मारी बात शुरू करूँ पहला बताना चाहूँ कि मैं बी जिले में जन्म लियो भटे आपने बढ़ाई पूरी करी जखे जिले गवा रानी लक्ष्मी कुमारी कुंडाओ कुलेर ओम गोविंद कागज जी परलिका में मारा बहुत सारा आदर जो साहित्यकार साथी है डॉक्टर सत्यनारायण जी किसान साहब स्वामी जी भरतोला जी रामेश्वर गुजारा ग्रामीण साहब मोहन आलोक जी मनोज स्वामी जी रूप सिंह राजपूत जी मारे अभी आशीर्वचन खतरा था ग्रेजुएट है वहाँ सगले लोगों की संगत में एक चीज समझ में आई कि जब टापर जल में तो की भी भाषा का चार तरीका होते है भाषा सुनी चे जिन्हें आप बोलना लिसनिंग भाषा बोली जे जिन्हें बोलना स्पीकिंग फिर टापर जिन्हें पटे रीडिंग है फिर राइटिंग। तो आप जबकि जबके एरिया में जबके इलाके में मैं बोलियों बोलियो बी जुबान में बी भाषा में बचार रखनो और बी खातर काम करनो हमारे खातर गुमेज भी बात होनी चाहिए। मतलब मैं तो हमेशा ये आप बात सोचू कि 3 लाख 3.5 लाख जैसे छपेड़ा और अनछपेड़ा जैसे ग्रंथ है इतनी बुरी भाषा मैंने याद आवे उद्योतक सूरी एक जैन मुनि हा पां कुवल्य नाम की किताब रे मां राजस्थानी रो जिक्र कर रखे लोग ने बहुत सारा सवाल है कई सवाल तो इन बांध रहा है कि मैं सोचूं वह सवाल का जवाब मैंने मिले तुम को नहीं आज तक। जी हाँ 12 सवाल आया है कि किसी बोली ना पा राजस्थानी माना तो अभी गुरु जी यहाँ बात बताने लग रहा मारे मुंह गुरु जी निकल सी चाहे आप मतलब अंतर्राष्ट्रीय कवि या कोई भी नाम बोलो तो हिंदी ने मां 43 बोलियां है पंजाबी री आप जिक्र करा हा पंजाबी में 28 है राजस्थानी में 11 बोलियां 16 बोलियां है। मन लागे बोलियां तो भाषा में समृद्ध करे जितनी ज्यादा बोलियां उसी भाषा इतनी समृद्ध है। आपने आलू रो परांठो बहुत पसंद हो उसके पर आप सारी जिंदगी आलू रो परांठो नहीं खा सको बदलाव जरूरी है बदलाव की पहचान बोलियां है बोलियां मजबूती आवे। आपस जी बात करा मैं बोलूं कि माइक और हाथ है पंजाबी की बात करा तो राजस्थान रे चित्तू इलाको है बठैया बोल सके कि माइक ते हाथ अलग अलग है थोड़ा सा और अंदर जावा पंजाब के मत बोल सके माइक ते हाथ अड अड और अंदर जावा तो कोई बोलेगा माइक ते हाथ वक वक है ये अड अड वक वक ते अलग अलग ये बात में फर्क नहीं है बात भाई है अब तो शब्दा की गति है भाषा गति की सीमा में बंद नहीं सके सीमा में हो है कागजा पर राजनीतिक सीमाएं भौगोलिक सीमाएं भाषा खातर तो केवल सांस्कृतिक सीमांकन हो सके। आप बात कर ला गया कि दुबई में बैठे बैठा है भाषा खातर तो प्रेम है कि वे नौकरी देवणिया भी मन रखे जब का भी आदमी नौकरी करेगा माँ बोली बोले
तो माँ बोली खातिर इतनी कदर इतनी शिस्त इतनो मान होना बहुत जरूरी है। कई बार भी लोग अपाइया सोच सकते कि आप भाषा है या छोटे एरिया में बोली जावे या ज्यादा मोटे में बोले ये मैं के बन सी मैं ई भाषा ने क्यों ना सीखू। तो मैं ऐसी थोड़ी सी बात सुनानी चाहूँ कि रशिया का माँ नॉर्थ कोकस नाम के छोटो सो एरिया में रसूल हमजा तो अवार भाषा का माँ मेरा दागिस्तान लिखी जिसकी दुनिया की सभी भाषाओं में बोलूत हो। अब आप सोच सो कि बिनु नाम तक बोंदना आप वहां प्रभा किताब सकना पड़ी है। तो मैं लाल साल तक गांधी जी रहे अंग्रेजी रे गुजराती रे हिंदी वाले लेखा और भाषण वो अनुवाद बनाई रहे मारे किताब में करियो। तो वहां एक चीज मन समझ में आई कि गांधी जी बार बार बात कहा कि अगर मैं मेरी माँ बोली है माँ स्कूल भी प्राथमिक शिक्षा अगर मैं मेरी मातृभाषा में कर ले तो मेरे मानसिक स्तर आज की तुलना में और ज्यादा ऊंचो और ज्यादा विकसाव वालों और ज्यादा मोटो हो। तो भाषा के मामले में मैंने यह लगा है कि जबकि भाषा माँ है कुछ सगा मिले बट शब्द जोड़ना नहीं पड़ा है दिमाग में ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ा है शब्द न्यारा न्यारा छांट रहे एक लाइन में पिरोना नहीं पड़ा है आपकी आप मन मान लिखे। कई बार लोगों ने यह लगा है कि साहब मैं तो कांस्टेबल लाग गयो या मास्क लाग गयो या वो लाग गयो तो अब मैंने आप भाषा बोलूंगा तो लोग यहाँ के सोचेगा। तो मेरे यहाँ मानना है कि जबकि जुबान में आप सुन गए समझ गए बोल गए मोटा होया पट दिक्कत की नौकरी लग गया नौकरी लागना ही जुबान है छोड़ दू मां ने छोड़ दू। तो जब तो आदमी आपकी भाषा नहीं आ सोच छोड़ते कि साहब अब तो मैं वो लागे वो छोड़ देना चाहिए। मैं आपने एक बात बताऊं मैं ला रहे पहला जानवर में हूं तो सिर्फ बोली रो फर्क है पर मैं ये देखू जब को आदमी ऑफिस में बढ़ता थका बारे जूता खोल माँ बढ़े बिन मन में डर है शंको है बिने बोलो नहीं आवे वो बड़ा हिंदी में जोर तोड़ दो लाइन दो टप्पा में आपकी बात करे पर बिन के साथ जिये आप राजस्थानी में बात करा वो आदमी आपको दिल खोल रख दे बिनी पीड़ ने समझान खातर बिना आप सागे तरह आपकी जरूरत नहीं है वो आपकी पीड़ आपके सत्ता में बहुत अच्छे देखा बता सके। तो मैं हमारे में संवाद स्थापित कर खातर जबकि भाषा के स्तर पर सामने आदमी बात करे अगर वह भाषा आपने आवे तो आप जब भी पी बात में शुरुआत करो तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें सुन पाओ। लोगों का सवाल है कि साहब राजस्थानी की लिपि रो के कश्या तो मेरो मानना है कि लिपि तो अब यह देवनागरी हिंदी है देवनागरी में लिखीजिए आपने अनुसूची की मान्यता प्राप्त चलो कोंकणी है मराठी है नेपाली है मसारा की लिपि आई है तो आप ई बारे में चिंता क्यों करा। कमाल की बात आ है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दे रहा है यूजीसी नेट सिलेक्ट करावे देश दुनिया के बहुत सारे स्कूलों में जगत कोशाला पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है जबकि भाषा पर देश दुनिया का रोग मान रखे जबकि दुनिया की समृद्धतम भाषा में आवे बट आप बहुत ही बचकाना किस्म का सवाल रखा तो मन नहीं लगे आप कदर नहीं करना गए। तो जगह भी साथी आज की बात में सुन रहा है आपको बहुत हमारा आदर रूप मान्यता बढ़ाई राजस्थानी का दारू लोग पर भाई सुरेंद्र जी बैठे हैं याद रखिए स्वामी जी हमारे मार्च पर सोशल मीडिया पर भाई हरीश जी है आप जबकि बात दूर तक पुगानी चाहो मैं ये बात पर मैंने पूरा यकीन है बड़ो भरोसो ये बात पर कि आने वाले टाइम में ये बात की बड़ी कदर होगी और आप ये बात में केवल सांस्कृतिक तौर पर ना कह रही मैं रोजगार पर जरूर रखू जबकि दिन मान्यता की आप बात करें संवैधानिक मान्यता मेरे पीछे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ कि मान लो राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता मिले तो यूपीएससी के माँ जब आदमी आईएएस और पेपर देने जाओ लोग इन्हें आसानी हो सी वो पेपर दे आप जुबान में लिख सी मेरी कॉपी को जांच ना लो आदमी हो सी वो मान चलो राजस्थानी में लिखनी कॉपी को तमिलनाडु नागालैंड ना चलो वो अठारो आदमी है वो समझे अठारी पीढ़ अठारी बात समझे। मेरे कहना है कि भाषा रोजगार पर भी है अपनी लड़ाई से इतनी बात कर सको नहीं कि मारी कविता मारी पोथी या मारी कहानियां नहीं पोथी में राजस्थानी है यही खतर लड़ा नहीं आई खतर लड़ा कि एक भाषा रो मरनो एक पूरी कौम रो मिटनो है आपका नहीं आज तो आपने नहीं शब्द तो है कठिनाइयां ना हो है कि अगर थोड़ा सा ध्यान ना रखे हो तो 40-50 साल बाद में टॉपर कोई जीके की किताब में पढ़ा कि अठे एक राजस्थानी भाषा चाहती आपने का नहीं आज या संगीना वाली तरह उंगलियां तान और बोला कि आप तो फेरी के भी बुलेट है बोलता मारे खाते तो भाई पहुंचो नहीं
हर की आदमी ने यहाँ मैं हुए के साथ यहाँ भाषा मर को उसके में बाकी जानकारी खतर बतानी चाहूँ कि पाली है प्राकृत बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भाषा जिन्हें रास धर्म रोग वर्ष मिलियो पूरो का पूरो रास तंत्र की भाषा ने उठावण खातर काम कर ला गयो। आज पाली और प्राकृत भाषा की पोथियां केवल मोटी मोटी लाइब्रेरिया में रंगीन जिंदा के मां बंदड़ी किताबों का मां है नहीं बा तो भाषा मिटे भाषा खत्म हो जाए अगर भाषा ने काल पुरुष आप अभी ने बढ़ावा ना तो मारी अर्जित है अभी लार लेखना में एक बहुत ही 3-4 साल हो गया ज्यादा ही उसके अपने टाइम एक बो नाम की भाषा वैप्रो की मात्रा बो नाम की भाषा खत्म होगी क्योंकि बिने बोलने वाला लोग हा 70-80 धीरे धीरे भी मिटता गया भाषा आगे बुद्धि को नहीं लास्ट जबकि लुगाई बोलने वाली ही पर डोकरी पर मरगी भाषा बन तो भाषा रो मरनो इन बात आपको ये बात नहीं है नोट्स को कि एक भाषा रो मरण का मतलब है कि कितनी सारी चीजें आप वहां वेच सका कितनी सारी चीजें आप वहां संभाल सका कि सारी अपना हाथ निकल गई। मैं भाषा रे गुलेज भी आपने बात बताऊं तो मैं जगह जिले में अभी काम कर रहा हूँ कई बार भी जिले में कि गांव में जावा मन देव उसको अच्छो लागे एक तो बढ़िया लागे कि गांव रा कई प्रवासी चाहे वे असम में काम कर लग रहे चाहे दक्षिण भारत में काम कर लग रहे फिर टापर है मरना है पड़ना है ब्याह शादी बचत भी आवे वे आज भी आई बात बोले आज भी यही बोली बोले मैं माना पूछू कि आप टापरा में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ आप क्यों वहां के टापर इतनी अच्छी राजस्थानी बोलने लग रहे बार वो कहना मैंने कि भाषा में कई तरीके रही है आदमी की जरूरत जब एक भाषा उसके व्यापार की भाषा मैं यहाँ अंग्रेजी बनावा कि मन नहीं लगा मारो टापर कंप्यूटर सीख सी बारह जाओ कोई बात नहीं। दूसरी है संस्कार की भाषा तीसरी है व्यवहार की भाषा मैं भाषा में मर बोलिया मारे घर में आई बोला जति टापर आना अठलेर तू आवा मार तो साहब बहुत अच्छो घर बन रहे बैठे अच्छी फैक्ट्री है अठलेरी खतरावा गांव में 10 लोग आ रही संगत मिले आने पर तो लगे कि आ रहा बाप दादा की माटी निकल गए ई जबान में बोलता आगे मन में बात रहे तो मन ये लगे कि छोटी छोटी सगली जितनी भी आफड़ आप करा जितनी भी आप खेचल करा जितनी भी आप कोशिश करा जतन करा ये सगला की भाषा में बचाव खाते बहुत जरूरी है। अच्छी बात है कि अभी एक प्रोग्राम 27 ने करा था इनमें इन प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि राजस्थानी का जितना भी नेक्स्ट सिलेक्ट करेगा जितना भी हमारा मुटियार साथी है सगला भी प्रोग्राम आवे ताकि अब बात दूरता ही जाए एक एक भाषा की लड़ाई है जबकि मन लगे कि कोई वर्खमो कोई रचनो कोई नमनो ई तरीका रो आदमी ही भी भाषा ने संभाल सके और सगला की जिम्मेदारी है। कई बार छोटा छोटा सवाल हुआ कि साहब जी माने को पूछ ले कि साहब आप भाषा की बात करो तो एक बात बताओ कि आप रो बच्चों किसे स्कूल में पढ़े तो मेरे को कहना है कि ये सवाल ये बिना वजह की जिद है बिना वजह की बहस है। अभी लाल लगना में एक पंजाबी ने बहुत अच्छी एक फिल्म देखी बी फिल्म में एक बहुत बढ़िया बात बताई बी फिल्म रो जब वो एक्टर है अभिनेता वो कहे कि मैं मेरे टापर ने आप रहे अंग्रेजी वाले स्कूल में ही खतर लगाए है कि मन नहीं यहाँ लगा है कि अंग्रेजी सीख सी तो रोजगार खातर इन्हें जरूरी है वो कम्युनिकेशन बढ़िया तरीका कर ले सी ही खातर बताई है पर आप मारले टापर नहीं है वो कि घरेजार पंजाबी को नहीं बोलनी घरेजार जगके शब्दा रो जगके लफ्जा रो इस्तेमाल हो आपकी माँ सके दादी सके नानी सके करे पर लफ्जा पर आप बंधन लगाओ तो मैंने इसे स्कूल में पढ़ाना को नहीं समझ मान तो अठे टापना में वाह बात बात गिरा नहीं है जगके माँ रे कुछ सगा नहीं है तो मारी हर जीत सी है कि मनोज स्वामी जी के आज एक पोथी विमोचन में प्रोग्राम में आप जना भले ही 20 बैठे या 40 बैठे पर आपकी बात अगर 5 लोग मार्क तक भी दूर नहीं बुके तो भी बड़ो असर हो गए स्कूल में राजस्थानी भाषा विषय खोलन माथा जिक्र करियो बात हो तो मेरे यहाँ मानना है कि टावरा के मन में ई बार ई बारे में जानकारी देने भी आपका फर्ज है कि आज तो आप राजस्थानी भाषा का तक कई सवाल खड़ा करा लेकिन साल पछे 2 साल पछे जब कभी भी मान्यता मिली भी मान्यता पहले बार में यह होता सी कि जब कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा में पेपर हो सी भी वो एक निश्चित पोर्शन ई भाषा में सवाल आसी अभी देखो आईएएस एग्जाम रीट एग्जाम में कई सवाल ऐसा चोखा चोखा आया जगह टाकर राजस्थानी प्रेज करता वे भी बोले के साथ इसे कोई डिक्शनरी इसे कोई शब्दकोश बता सको कि जब ऐसा शब्द मैंने ब्रेजियर में पढ़ रख बन तैयारी कर सकता मेरे को तो मतलब वो है कि अपना सगला मिले भी बारे में काम करा मारा स्तर पर तो बात कलेक्टर के पद पर आई सुन रहे मात्र बात नहीं है मेरे तो यहाँ मानना है कि मेरे फर्ज पड़ा है कि जबकि 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 एरिया में रख जबकि जबकि बोली में आप दोस्त सागर बंतल करा जबकि बात ने आप समझा जबकि बात ने आप अच्छे तरीके राख सका भी भाषा ने आप और आगे ले जावा
मैं अभी कोठारी साहब से भी प्रोग्राम शुरू हूँ, पहला बात करा तो कोठारी साहब बहुत सरलती को बात कही कि मैं राजस्थानी में जब की साढ़े बोलू तो मैंने फिर समझ में पहुंच दिया मेरे को बात। मैं कहूँ बात कोठारी साहब भी नहीं है, बाबा जितेंद्र भी है, बाबा रूप सिंह राजपुरी जी पर भी लागू है, बस सगला पर लागू है। जबकि भाषा में दिमाग में अगलो एक लाइन बोलने पहला जोड़नो ना पड़े, वह भाषा हमेशा सुधार रखनी चाहिए। बिना प्रोटनो, बिना मेरनो, बिना लिखनो, बिना आगे चीजा बांचनी, आगे बतानी आपकी जिम्मेदारी है। अब आज एक सोशल मीडिया पर लिखने लग गया तो हमारा कई साथियों के साथ में घर तो बोल रही हूँ पर पढ़ने कोशिश में पहली बार कर लाए, तो मेरे को एक चीज और कहनी है कि कई बार क्यों है कि धड़ा बढ़ जाए, धड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, धड़ा यह नहीं बढ़ना चाहिए कि हाड़ोती में छह लगावे, कोई छह लगावे, कोई हे लगावे। राजस्थान में कई जिला में मां सह शब्द ही नहीं है बोले, तो हमारी अर्जा है कि आप जब को आज जिन बात राजस्थानी में बोले लिखे आप अभी ने रोकनो टोकनो नहीं चाहिए। कभी प्रेम का आपको बतानी चाहो तो आप बात यहाँ बता सको कि माए में दिल्ली मैं पर लगे कि यह पर लगे वह आपकी बात है, पर जिनको शुरू यहाँ मान तोड़ देने तो लिखने को नहीं आवा वीर प्रकृति वो कभी हौसलो ले पूछते। मैं आपने इनकी बारे में बतानी चाहूँ कि मैं डॉक्टर सत्यनारायण जी श्री राम स्वरूप किसान साहब है हमारी पोस्टिंग, जब मैं लेक्चरर हो राजनीति विज्ञान हो, जब मेरी काफी चीजें मैंने समझ में नहीं आऊंगी तो मैं कुछ तो यानी बात में स्वीकार करना चाहिए कि आज कोई भी भाषा है पर धीरे 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 आदमी जाने समझे सीखे लोगों का तक, मतलब बहुत सरल तरीके में बतावा, जबकि भाषा सरलता का नहीं बढ़ रहा है हमेशा बनी रहे। राजस्थानी में देखो आप राजस्थानी की सबको खास बात है भाषा नाद वाली भाषा है, ध्वनियात्मक भाषा है, अठे लय भी है अड़य भी है, आप देश लोग प्रयोग नहीं करा ऊपर धर्म में जिया ऊपर की गड्डी लगे लगा फ्रूट को नहीं आ भाषा ये किसी भाषा है जिसमें पहले अक्षर अगर कट भी जे तो भी अर्थ रहते हैं, जिया शमशान ने शह लांडी जुट रही मसान तो भी मतलब कोई है अठे आ भाषा कहते शेर शे एक से काम आ सके आपनी विशिष्टता है, आप भाषा की विशिष्टता है, आ व्याकरण की विशिष्टता है, आ लेखन की विशिष्टता है, तो आप सालों साल इतनी जूनी भाषा आप संभाल रखा दूर ती बात बताओ आज वो एक यज्ञ है कि आप सगला की आहुति होनी चाहिए। मैं मारी बात खातर मैंने एक पंक्ति याद आ रही हिंदी में पर बड़ी अच्छी है कि पूरी जमीन साथ दे तो और बात है, पूरी जमीन साथ दे तो और बात है, हम लोग एक दूजे का जरा सा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो चल लेते हैं लोग एक पांव पर दूसरा पांव भी साथ दे तो और बात है। दूसरा पांव क्यों है वो दूसरा पांव प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगह जगह आर्थिक तौर पर समृद्ध है, जगह पर महाशक्ति भी वरदान है, जगह की बात लोग जाने, जगह राजनीतिक पहुंच रखा है, जगह समाज में सुनी जा रही बात असला की जिम्मेदारी है। मैं मारी बात में ई वहां से देखा कह नहीं सकती जब एक भाषा मिटे तो पूरा एक कौम को एक सभ्यता मिटे। अब आपा ने सोच में आप करना चाहवा मैं ई प्रोग्राम खातर आदरजोग मनोज जी आरी पूरी टीम आप बहुत तैयारी करिए। मैं आपने एक चीज कहनी चाहूंगा आप मन में वो विचार ना रखियो कि प्रोग्राम वो टाइम सब 10 बजे हो रख नहीं आया, मेरा मानना है आप तक बहुत अच्छी कोशिश करिए। मैं आपने बधाई देनी चाहूँ कि आप राजस्थानी की खातर लगातार काम कर ला रहे हो, आप रामलीला राजस्थानी में चलोगे आपकी बात दूर तक जाकर उगे है, आप इन बांद्रा प्रोग्राम करता रहो, जितेंद्र नहीं जितना भी साथी है आपका साथी है आप सूरतगढ़ नाम करो बहुत दूर नहीं है, जब राजस्थानी खातर बस देर आप दिल्ली गया भी इतनी यात्रा की शुरुआत आप सूरतगढ़ में भी रहो आप नींव रो पत्थर रखियो मनी बहुत बहुत सारा साथी हरिमोहन जी वगैरह आप सकल लोग काम करो हमारी आपने आपकी पूरी टीम ने बहुत बहुत बधाई। मैं आदर जो मंच ने कहना चाहूँ कि आप सकल उपस्थित हूँ हमेशा मैंने हमेशा सीखने मिले मैं गुरु जी की उपस्थिति को अर्ज करो गुरु जी आज माइक पर सुनाई नहीं है कविता बात लेकिन मैं जब स्कूल में पढ़ते तब भी गुरु जी का कविता में ध्यान आती है सरदार वाली बात तो कितनी बार भी मैं सुन चुकी हूँ कि महा मैं किसी सरदार देखकर जब राजस्थानी में बात करे पर गुरु जी को प्रेम राजस्थानी खातर बहुत मोटो है। गुरु जी आपको आशीर्वाद देने वाले मैं भाई हरीश आपने और आपकी पूरी टीम ने कहना चाहूंगा आप बहुत अच्छा तरीका काम पर डाल गया हो
आपका चिड़ियाली बात जता गुरु जी बताई है कि 20 तरीकों आप सबका काम करना अच्छे तरीकों बात बहुत बहुत धन्यवाद।